वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टार शख्सियत, आइए जानते हैं अपने स्टार के बारे में। जी सर। अच्छा जी, हम बात करते हैं हम सेजिटेरियस के बारे में बात। बिल्कुल, उनकी सूरत पता नहीं रह गई थी, बाकी तो सब कुछ बता दिया था। सूरत कुरैश, जितनी ज्यादा पढ़ सकते हैं ज्यादा पढ़ें। इलाफी कुरैशी इलाफी जो है वो बहुत जरूरी है इनको, बाकी तो इनके हालात ठीक चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टार की तरफ आ जाए जी। नेक्स्ट स्टार है कैप्रिकॉन, पहली कंजक्शन है। अच्छा सर, आई एम सॉरी, मुझे अच्छा नहीं लगता जब ये अब स्टार्ट होता है हमारी कॉल आती है, लेकिन एक कॉल ले लेते हैं क्योंकि वो 5 मिनट से कॉल कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी तंजीला, कैसी हैं आप? जी बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, बोलिए। जी जी जी, हाँ जी, कैसी हैं? डेढ़ माह हो गया सूर्य बकरा पड़े। हाँ बेटा, 4 महीने 10 दिन के लिए कहा था ना मैंने। तो आपने कहा था कि दरमियाने में बताना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने बेटा ये कहा था कि अगर कोई अनयूजुअल चीज हो, कोई ऐसी चीज हो, कोई परेशानी या कुछ ऐसे, तो फिर जरूर बताना। कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इंशाल्लाह बेटा इसको कंटिन्यू करो, दुरूद पाक ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। 4 महीने 10 दिन में ये इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। मुझे बिल्कुल याद है आपके सारे जो है आदात भी इंशाल्लाह। मतलब वैसे तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग मुझे याद रह जाते हैं। ठीक है बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह पाक आपको तरक्की दे और आपके मसले हल करे इंशाल्लाह। मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं और मालिक का करम भी आपके साथ होगा। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी सर। अच्छा जी, अब हम कैप्रिकॉन। नो सर, सैजिटेरियस को तो हमने सूरत पढ़ने के लिए बतानी थी, बता दी। अच्छा बता दी, चलें। नेक्स्ट स्टार है ना जी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन सरकार। हाँ जी कैप्रिकॉन है, ठीक है। आपने स्टार्स आगे पीछे कर दिए, एड़ा फटा आसमान होते मसला पहले ना। ठीक है ठीक। अच्छा जी, इनका सबसे पहली कंजक्शन है कैप्रिकॉन की। इनका नया चांद जो है काम और सेहत दो चीजों की तरफ पोजीशन बेहतर कर रहा। काम कैरियर बहुत अच्छा, सेहत बेटर, ठीक है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। नई जिम्मेदारियां कबूल करें, सोच समझ के फैसले करें, इंजॉय करें, ठीक है। ये इंजॉय मैंने सिर्फ एक के लिए कहा है, वो आप भी बेहतर समझते हैं, आप व्यूअर्स भी जानते हैं, ठीक है। इंजॉय करें, हफ्ता बहुत अच्छा है, तफरीही प्रोग्राम बनेंगे, रोमांटिक अफेयर जो हैं वो इनके, अब इसका सिर्फ तर्जमा कर दूं। बाकी चीजें जो है इनका सबसे पहले ये करें कि अपनी पूरी यकसुई के साथ अपने जो अहम मामलात हैं उनको निपटाने की कोशिश करें, बहुत अच्छे होंगे। इन हाउस प्रोग्रेस है। हाँ, एक चीज और बन रही है इन हाउस प्रोग्रेस के साथ, इनमें थोड़ा सा आपका बन रहा है वक्त जाया करने की तरफ का इशारा मिल रहा है। यानी ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात इंसान जो है ना वो अपने टाइम को सही यूटिलाइज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, तो उसको कंट्रोल कर लें। बाकी कोई नहीं है, छोटा करीबी सफर बन सकता है, जायदाद के मामलात बेहतर हैं, फॉरेक्स वाले एहतियात कर लें, स्टूडेंट्स बेहतर हैं और बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। सूरह फील, अलम तरा कैफा बिअस्हाबिल फील, वो पढ़ लें, जितनी ज्यादा पढ़ी जाए इंशाल्लाह बेहतर। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टार की तरफ आ जाए जी। एक्वेरियस जी। अच्छा, माहौल खुशगवार, इंजॉय करें, चलें गुड। थोड़ा सा अलग थलग रहना पसंद करेंगे, लेकिन वो भी किसी थोड़ी देर के लिए, एक आध दिन के लिए, उससे ज्यादा। अच्छा, फिर ठीक हो जाएगा। हाँ, और हाँ ये एक चीज और, किसी बात को इज्जत का मसला ना बनाए, ठीक है। ये आ जाती है इंसान के अंदर अनापरस्ती, बाजू का आ भी जाती है, बाज़ औक़ात पर्सनैलिटी में होती है और बाज़ औक़ात स्टार्स की वजह से बनती है। इस वक्त स्टार्स ऐसी पोजीशन में है कि अनापरस्ती का एलिमेंट बड़ा बूस्ट हो रहा है, इज्जत का या वो मसला ना बनाए। अगर किसी मामले में पीछे हटना पड़ता है कोई बात नहीं है, मालिक बेहतर करेगा। कोई भी चीज़ जो बेटर वेलोसिटी से आगे जाती है वो पहले पीछे हटती है। कमान भी जब पीछे जाती है तो फिर तीर जो है वो बेटर वेलोसिटी से जाता है। अगर पीछे हटना पड़े बिस्मिल्लाह करके हट जाएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मिजाज पे काबू रखें। हाँ, अगर आप जल्दबाजी से कोई फैसला ना करें और एहतियात से करें, तो ये जो कंजक्शन बन रही है ये कह रही है कि यू कैन क्रिएट मिरेकल्स, मोजज़े कर सकते हैं हैरान कुन हद तक कामयाबी, लेकिन
एहतियात बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब आपका जो है एक और कंजक्शन बन रही है, उसका भी तर्जमा ये है कि कोई आपका जो है वो दोस्त आपको ऐसी बात पे मजबूर करेगा जो आप करना नहीं चाहते। अच्छा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे मामलात में अपने मजाज पे कैसी बात हो सकती है, क्या हो सकता है? मतलब कोई पैसे पूछे, कोई ऐसी कोई पार्टी शार्टी, कोई ठीक, वो इंजॉय करें, पैसे जाए नजर आ रहे हैं, पैसे बदगुमान ना हो जाए कि यार ये तो ऐसे ही है ना, ऐसे संभाल के रखा हुआ है, हम लाइफ लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है, सही है। जायदाद की खरीदो फरोख्त वाले तो एंजॉय करें, उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है, ठीक है। जो फॉरेक्स वाले हैं उनके लिए भी ठीक टाइम है। मीडिया वाले थोड़ा एहतियात कर लें, मीडिया के लिए थोड़ा सा बेहतर टाइम जो है वो आ जाएगा। और स्टूडेंट्स भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। इनकी सूरत बनती है सूरह आदियात, ठीक है, वल आदियाति ज़बहन फलमूरियाति कदहन, ठीक, वो पढ़ लें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आखिरी स्टार जो है उसकी बात कर लें, ताकि फिर उसके बाद हम डायरेक्ट जाएं। पाइसिस, इनके जो है माली मामलात, पैसा, अच्छा, इनका भी बड़ा अच्छा, मूड खुशगवार, तफरीही मामलात, ठीक है, रोमांटिसिज्म, बस ये चार पांच मेन कंजक्शन हैं। पैसा इनका आ रहा है। स्टार रोमांटिक क्यों है आज? ये कुछ ज्यादा नहीं आज बात का होता है, इस बार ज्यादा है, इस बार ज्यादा है, इस बार पैसा और रोमांटिसिज्म ज्यादा है, इस बार तो बड़ा मजे का हफ्ता गुजरने वाला है। स्टार है और ये देखें, ये कुदरत की तरफ से है। हम जब बात करते हैं ना स्टार्स की, तो मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती है कि ज्यादातर लोगों के साथ है, जरूरी नहीं है। मतलब मैं भी अगर पाइसियन हूँ तो मेरा पाइसिस स्टार है, हो सकता है कि मेरे जो है वो नाम के आदाद या मेरे मदर नेम या मेरी प्लेस ऑफ बर्थ या वो मेरी जो आइडेंटिकल जो है मेरे नंबर्स हैं, हो सकता है वो इससे मैच ना करें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही ये चीज़ सपोर्ट करेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब इनके जो है जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसमें एक तो माली मामलात, वो पैसे हैं, हमदर्दी के जज्बात हैं, मूड खुशगवार है, और पार्टीज बन सकती हैं, रोमांटिसिज्म इनका बन सकता है। हाँ, एक चीज़ और है कि इनका जज्बातियत आ सकती है, मूड फ्लक्चुएशन आ सकती है, या एग्रेशन आ सकता है, ठीक है, वो गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। मैंने मजबूर का लफ्ज इसलिए यूज किया है कि उसकी उसकी जो है ना इंटेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, उसको रोकने की बहुत जरूरत है। बाकी इसके अलावा कोई बड़ा मसला नहीं है, एग्रेशन बहुत बड़ा मसला है इस हफ्ते का। और सूरत इनको जो सपोर्ट करेगी वो सपोर्ट करेगी सूरह कौसर, जितनी ज्यादा पढ़ सके, पिछली दफा भी शायद यही थी, सूरह कौसर जितनी ज्यादा पढ़ सके उतनी ज्यादा पढ़े, फिर देखें मालिक करता क्या, इंशाल्लाह हालात बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। यहाँ पर वैसे भी एक और कॉलर है, कॉल ले लें, हम कॉल ले लेते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? सरफराज अली बात कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम जी सरफराज अली साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अपनी सुनाएं। करम है मालिक का, दुआएं हैं आपकी, बताइए सर। नाम मेरा सरफराज अली है जी भाई, फर्स्ट नवम्बर 1975, ठीक है, लाहौर में पैदा हुआ था जी, ठीक है भाई। टाइम था फजर के टाइम हुआ, ठीक हो गया। वालदा का नाम भाई? जुबैदा, ठीक है जी। क्या जानना चाह रहे हैं भाई? सबसे पहले तो मैं अपनी जॉब वगैरह के बारे में और फ्यूचर, और शादी अभी हुई नहीं है भाई। अच्छा, चलो तो शादी के बारे में भी जानना चाहते हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। और ये बाहर का कोई सफर वगैरह मेरा अब इन फ्यूचर, ठीक है, मैं जरूर बता देता हूँ। चलिए जी, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग जी सर। माशाल्लाह आदत तो बहुत अच्छे हैं, एक तो इनकी प्लानिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक जो है इनकी जो आदत है उसमें एक दो सीक्वेंस ऐसे बनते हैं जो चीज़ों को डिले करते हैं, जिसकी वजह से शादी का मामला डिले है, स्पेशली शादी का मामला डिले है, ठीक है, वो भी जुलाई में शायद हो जाए, इसी साल के अंदर, जुलाई के करीब, जुलाई ज़्यादा दूर नहीं है। दूसरा इनका जो मसला है वो है नज़र का, जादू नहीं है लेकिन नज़र की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि जो मुश्किल जो है वो पैदा कर सकती है। तो जो मसला इनको इस वक्त दरपेश है नज़र का, उसको जो है वो कैटर करना बहुत ज़रूरी है। रह गई इनकी नौकरी, तो नौकरी भी हो जाएगी, असल में चूँकि दबाव बन रहा है तो वो दबाव ज़रूरी है, उसको ठीक करना ज़रूरी है। सबसे पहले सूरह फजर 11 दफ़ा डेली, 41 डेज बेलानागा, और दूसरा वही तसव्वुर, वो जो पानी वाला बार बार जिसकी बात होती है,
یعنی کعبے میں آپ جو ہے وہ فیل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اپنی تمام اچھائیوں برائیوں سمیت خدا کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تین دفعہ اللہ 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 کہہ کے پانی پی لیں، اپنی لائف میں اس کو شامل کر لیں. رہ گیا ان کا کلر، تو ان کا کلر بنتا ہے وائٹ، اور دن بنتا ہے ان کا پیر کا، اور صدقہ بنتا ہے ان کا دودھ کا. ٹھیک ہے. اور پرل ان کا جو ہے وہ پتھر بنتا ہے. انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں. چلیں جی. ہاں سر، یہاں پر ایک اور کالر ہیں. جی ہیلو. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں زاہدہ سپورٹ سے بول رہی ہوں. ٹھیک ہے، کیسی ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک، آپ کی دعائیں ہیں. کیسا لگتا ہے ہمارا پروگرام؟ بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے تو کال کی ہے. اچھا جی، اس لیے. اچھا فرسٹ ٹائم کال کی ہے، پہلے بھی کال کرتے ہو؟ پہلے بھی یہ تھی، لیکن کتنی بار مل جاتی ہے لیکن ریسیو نہیں ہوتی. او اچھا، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا، کال زیادہ آ رہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ہو جاتا ہے سم ٹائم. چلے، یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج آپ کی کال مل گئی ہے. ہاں جی شکر اللہ کا. ہاں بالکل. اچھا تو کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ جی میں نے حیدر بھائی سے بات کرنی ہے، ان کے پاس پہلے بھی میں نے بات کی بھی ہے. السلام علیکم. جی بیٹا جی بتاؤ، کیا حیدر بھائی؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں بیٹا. حیدر بھائی میں نے آپ سے شادی کا مسئلہ کہا تھا، تو آپ نے مجھے نا شروع سے فجر پڑھنے کے لیے کہا تھا. ٹھیک ہے بیٹا، کب کہا تھا؟ 41 دن. کب کہا تھا مجھے؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. 41 دن پورے ہو گئے ہیں، مطلب نہیں ہوا ہے نا، آپ کو کال کی تھی میں نے. اچھا ٹھیک 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 ٹھیک. چلیں آپ اپنا ڈیٹا دے دیں. چلیں مجھے دوبارہ ڈیٹا دے دو بیٹا، میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مجھے ملا نہیں آپ کا ڈیٹا. ڈیٹ آف برتھ بتا دیں اپنی. 14 اگست. ٹھیک ہے. 1984. ٹھیک ہے. جگہ؟ اور ٹھیک ہے. ٹائمنگ؟ ٹائمنگ اور وقت نہیں پتا. اچھا چلو ٹھیک ہے. اپنی والدہ کا نام بتا دیں. نزیرہ بی بی. نزیرہ بی بی. چلیں جی ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک، چلیں میں بتا دیتا ہوں. اور میں نا حیدر بھائی آپ مجھے یہ بتا دیں، آپ نے مجھے اس وقت بک کی تھی، میں نے آپ سے بات تو آپ نے پوری تفصیل سے نہیں بتایا تھا، بیٹا موسٹلی میں تفصیل سے ہی بتاتا ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن ٹائم بھی تھوڑا تھا، آخری لائن تھی نا، تو 5 منٹ میں آپ کو زیادہ بتا نہیں سکے. آپ نے کہا تھا کہ اثرات ہیں تو اب نہیں ہے. چلیں جی آپ جلدی سے بتائیں. دیکھیں اللہ کے کلام میں بڑی مالک نے برکت رکھی ہوئی ہے، اس نے آپ نے پڑھ لیا ہے، اس کے اثرات اب نہیں ہیں آپ کے اوپر. اب آپ کا آپ کو آپ نے خود فیل نہیں کیا کہ آپ کو ایک وجود جو ہے وہ ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا ہے نا، پیس آف مائنڈ ہے، سکون ہے نا. جی حیدر بھائی میں یہی آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ نا میرے ساتھ نا ہر وقت نا کچھ نہ کچھ نا پرابلم رہتی ہے، خراب ہی رہتا ہے کہ میرے ساتھ نا میرے بہت سے مخالف ہیں، مطلب گھر میں جو بھائی ہیں وہ میرے ساتھ نا ٹھیک نہیں ہے، ہر وقت ان کے ساتھ میرا جھگڑا رہتا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بہت عرصے سے میرے ساتھ نا یہ پرابلم چل رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں ایسا ہو رہا ہے. بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب آپ کا جو صدقہ ہے وہی آپ کو میں نے جو بتایا تھا، وہی دو دن وہی جمعے کا ہے، وائٹ کے سارے شیڈز ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ کے اوپر دباؤ ہے اور وہ بھی سٹریس ہے، وہ آپ کے اوپر کوئی جادو یا نظر کے اثرات فی الحال نہیں ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. اب آپ نے جی 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 ہاں جی مجھے میرا کلر نمبر دن صدقہ سٹار بھی بتا دیں. بتائے نہیں تھے پہلے؟ نہیں. کلر 6 ہے، دن جمعے کا ہے، اور صدقہ جو ہے وہ آپ کا دودھ کا ہے، اور اپنے وائٹ کے جتنے شیڈز ہیں وہ اپنی لائف میں جگہ دو. اور بس جی میرا سٹار کیا ہے بیٹا؟ سٹار بھی چلو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ٹھہر جو وہ بھی دیکھ کے بتا دیتا ہوں. اور یہ بتا دیں کہ شادی کب تک ہو جائے گی؟ جی اور رشتہ نہیں کوئی آ رہا ابھی تک نا؟ وہ آ جائے گا بیٹا، اس کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کب تک ہو جائے گی یہ بتا دینا آپ. اچھا بیٹا میرے پاس جو اعداد ہیں وہ بن رہے ہیں 2013 کے، اس سال کے اینڈ میں یا اگلے سال شروع میں. ٹھیک ہے. اور آپ کا جو ورگو ہے نا، یہ جو آپ کا سٹار بن رہا ہے، اس میں میں وہی دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ ان کو پلیز جلدی سے بتا دیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، ہمارے پاس اور بہت سی کالز ہوتی ہیں. ہاں بیٹا چلو بیٹا، یہ آپ کا یہ جو میں نے بتا دیا آپ کو، اور انشاءاللہ یہ ہے. دوسری چیز آپ سورہ رحمان سنو قاری باسط والی بڑے دھیان سے، بس اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، پڑھ لیا اب آپ سنو صرف دھیان سے سورہ رحمان سنو اور تصور کر کے. ٹھیک ہے. مجھے ایک میں نا حج کرنا چاہتی، میں یہ پوچھنا چاہتی کہ وہ بیٹا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس کے گھر جانا تو اس کی مرضی کے بغیر کیسے جاؤ گے؟ تو وہ مرضی تو ہے نا کہ آپ بتائیں، میں جائے تھے میں تو دیکھ کے پائے نا.
बेटा ये जो आपको मैं आपको एक और चीज बताऊं कि ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, देखिए मैं इसका जवाब दे लूं, मैं इसको एक चीज बेटा उसके लिए हमें 32 एस्पेक्ट का या 29 एस्पेक्ट का मुकम्मल जायचा देखना पड़ता है। यहाँ पे हम आपके 3-4 से ज्यादा एस्पेक्ट देख नहीं सकते, इसके इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ। बहरहाल जो आपने हज करना है तो अल्लाह ताला करेगा, सूरह रहमान सुनो ना ध्यान से, और जब आपका और जब आपकी फीलिंग जब तक सुनो इसको रोज एक दफा सुनो, कारी बासित भी लगातार सुनो बेटा, ठीक है। और वो जैसे पानी का तरीका बताता हूँ या सूरह रहमान का बताता हूँ वो करो, मालिक से दुआ करो वो बुला लेगा। थैंक यू, ठीक है बेटा, जी सर। अच्छा जी, अब हम जो है इनका तो जवाब दे चुके हैं ऑलरेडी, अब हम जो है वो स्टार्स का भी चुके कर चुके हैं, तो बाकी ये है कि जो जब ये बात करते हैं हमारा ये सब कुछ खत्म हुआ और साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर फिर हम लोग इजाजत ले लेते हैं अपने नाज़रीन से। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आज आपने जाना अपने स्टार के बारे में, यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे और जाफरी साहब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।